जिनको आज से मेन स्ट्रीम में आकर कार्बी आंगलोंग क्षेत्र के पूरे विकास की जिम्मेदारी लेनी है, ऐसे सभी पांच संगठनों के मेरे कार्बी आंगलोंग से आए हुए प्रतिनिधि भाइयों, यहां पर उपस्थित असम सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान भल्ला जी, डीआईबी अरविंद शर्मा जी, श्री अक्षय जी, डीजीपी आसाम, चीफ सेक्रेटरी आसाम, एडिशनल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्ट और उपस्थित सभी को आज मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कार्बी आंगलोंग क्षेत्र में बहुत लंबे समय के बाद शांति के युग की शुरुआत हो रही है। जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनका नॉर्थ ईस्ट न केवल फोकस का एरिया रहा है, परंतु नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास और शांत और समृद्ध नॉर्थ ईस्ट कैसे बने, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। और इसी के तहत असम में शांति हो, आंदोलन न हो, उग्रवाद न हो, हथियार न चले, गोली न चले और असम की सभी आबादी, पूरी की पूरी आबादी, चाहे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति हो, मैदान में रहने वाली जनजाति हो, शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग, सभी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास हुआ है 7 साल में। और पहले पार्टी के अध्यक्ष के रूप में और 2.5 साल से मोदी जी की मंत्रिपरिषद में उनके साथी के रूप में मैं इसको बहुत बारीकी से देख रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं। आज जो हम कार्बी आंगलोंग एक ऐतिहासिक समझौता जो अभी अभी संपन्न हुआ 4 सितंबर 2021, ये दिन असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमय अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है। और उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध, और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है, जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। और यही नीति का परिणाम है कि एक के बाद एक के बाद एक सभी जो पुरानी समस्याएं नरेंद्र मोदी सरकार को वारसा में मिली थी उसको हम समाप्त करते जा रहे हैं। जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, हम लगभग असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी, प्रति बजट में 200 करोड़ रुपए। ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के साथ वार्ता शुरू करने से पहले ही आपका था कि भाई हमारा दिल्ली में कोई भवन नहीं है, इसका शिलान्यास हुआ था, हेमंत जी और सर्वानंद जी दोनों थे उस वक्त। तब मैंने कहा था कि आप एक बार वार्ता को पटरी पर चढ़ाइए, ये हमने एक हमारी ओर से शुरुआत करी। और आज आप जाकर देखिए, भवन का कामकाज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और कुछ ही समय में कार्बी आंगलोंग से आने वाले भाइयों बहनों को दिल्ली में अच्छी रहने की सुविधा मिल जाएगी। और आज जब एग्रीमेंट हो रहा है तब मैं इतना जरूर कहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है कि जो एग्रीमेंट को हम करते हैं वो एग्रीमेंट की सभी शर्तों का पालन हमारे ही समय में हम पूरा करते हैं, ये हमारा रिकॉर्ड है। चाहे बोडोलैंड का एग्रीमेंट हो, चाहे भ्रू समझौता किया हो, चाहे त्रिपुरा के एनएलएफटी का समझौता किया हो, चाहे कार्बी आंगलोंग का किया हो, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे के 3 समझौते जो हमने करे हैं इसके 80% से ज्यादा शर्तें पूरी हो चुकी है और बोडोलैंड में तो लगभग लगभग सब पूरा हो चुका। भू समझौतों में भी परसों ही मैंने रिव्यू किया था, लगभग
1200 लोगों का रहने का पूरा व्यवस्था बन चुका है, उनको जमीन आवंटित कर दी गई है, उनको कार्ड दे दिए गए, खाने पीने की व्यवस्था कर दी, अच्छे स्कूल बनाए जा रहे हैं। और 2022 आते आते ये पूरे भ्रू शरणार्थियों का हम फिर से एक बार रहने की व्यवस्था कर देंगे। इसी तरह एनएलएफटी समझौते में भी 100 करोड़ रुपया देना था, उसमें से 40-40 की दो किस्तें हमने दे दी हैं, और लगभग जिस 88 कैडर ने हथियार डाला था उन सबको रिहैबिलिटेशन के लिए भी हमने पूरा, हमारा वादा था वो पूरा किया है। मैं आज पांचों संगठन के जो नेता यहां है उनको और सीएम को, दोनों को वचन देना चाहता हूं, भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सारी शर्तें हम तय किए हुए समय के अंदर ही पूरी करेंगे और लंबा कार्बी आंगलोंग के लिए शांति और विकास का युग का शुरुआत होगा। सशस्त्र समूह के कैडर के पुनर्वास के लिए जो प्रावधान किया है उसकी भी पूरी चर्चा मेरी असम के मुख्यमंत्री महोदय से हो गई है। कार्बी कल्याण परिषद की स्थापना का भी एक मसौदा हमने तैयार कर दिया है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट उसमें जो संशोधन करना है वो अगले ही बजट सत्र में आसाम सरकार लेकर आएगी, इसमें हमारे मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अधिक वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक शक्तियों देने का जो प्रस्ताव है इसका भी एक खाका लीगल ओपिनियन के लिए गया हुआ है। लगभग पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी, कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट और यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये पांचों संगठन के सभी कैडर को मेन स्ट्रीम में सम्मान के साथ बसाने की भी योजना तैयार है। लगभग ऑटोनोमस काउंसिल पैकेज के 350 करोड़ की लागत के 32 प्रकल्प ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, अलग अलग चरण में हैं। और कार्बी दिमासा भवन जैसे मैंने कहा था उसका भी काम पुरजोश में चल रहा है और 22 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी आपके क्षेत्र में हमने समझौता होने के पहले ही चालू कर दिए हैं, जो समझौते के मतलब बारिश समाप्त होते ही लगभग पूरे हो गए। और सेंट्रल पूल की एनएलसीपीआर स्कीम के तहत 200 करोड़ के और 20 प्रोजेक्ट 10-10 करोड़ की एवरेज का, वो भी आज पैसा उसका आवंटित कर दिया गया। दीपू में असम पहाड़ी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है, इसका एकेडमिक पहला सत्र भी शुरू हो गया है। बागोरी प्रवेश स्थान पर पर्यटक लॉन्च के विकास के लिए भी काम लगभग पूरा हो चुका है। दीपू में कैंसर देखभाल केंद्र का निर्माण का काम चल रहा है, मैं आया था तभी इसका उद्घाटन किया था और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के संपूर्ण विकास के लिए और मुख्यत्वे गांवों के विकास के लिए सभी कदम उठाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कटिबद्ध है। असम के मुख्यमंत्री यहां बैठे हैं, प्रधानमंत्री की निश्रा में ये समझौता हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, असम सरकार और भारत सरकार के गृह विभाग की ओर से आपको संपूर्ण रूप से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आप जो भारत सरकार के साथ, असम सरकार के साथ समझौता किए हैं, ये इस क्षेत्र के शांति और विकास के लिए मुख्य कारण बनने वाला है और समझौते की सारी शर्तों का हम बहुत अच्छे तरीके से, समयबद्ध तरीके से पालन करेंगे। मैं फिर से एक बार, समझौते के लिए बहुत समय से चर्चाएं हो रही थी, असम सरकार के अधिकारी भी लगे थे, हेमंत जी भी लगे थे, सर्वानंद जी के समय में भी काफी काम हुआ, हमारे आईबी की पूरी टीम डीआईबी के नेतृत्व में लगी थी और गृह मंत्रालय की टीम अजय भल्ला जी के नेतृत्व में लगी थी। मैं सबको भारत सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं और ये पांच संगठन के सभी प्रतिनिधियों का विशेष धन्यवाद करकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।